हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मिसेस कोहली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं एग रोल। बहुत ही बढ़िया ये नाश्ता है, आप इसे किसी भी समय बनाकर आसानी से खा सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है, झटपट से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे हम किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए चाहिए हमें अंडे। तो मैंने 5 अंडे लिए हैं जिन्हें तोड़कर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें आधा प्याज कटा हुआ, एक गाजर ली है जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है, डाल देते हैं वो भी इसमें। साथ में मैं ले रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसमें। ये मैंने हरा प्याज लिया है 2 चम्मच के करीब है, क्योंकि हमने दूसरा प्याज भी इसमें डाला है। 2 हरी मिर्च मैंने कट करके ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में मैं ले रही हूँ 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे हम नमक। तो आप इसमें कोई भी वेजी इसमें मिक्स कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो इसे अब अच्छी तरह से हमें बीट करना है, बहुत अच्छी तरह से इसे हमें फेंटना है जब तक ये बिल्कुल फ्लफी ना हो जाए। झटपट से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है, आप इसे झटपट से कभी भी किसी भी समय बनाकर खा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है, बहुत ही बढ़िया फ्लफी ये बैटर हमारा बनकर एग का तैयार हो चुका है। और गैस के ऊपर मैंने रख दिया है पैन, तो उसे गरम कर लेते हैं। गरम हो चुका है, अब मैं डालूंगी 1 चम्मच के करीब इसमें ऑयल। अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। और फ्लेम इसकी फ्रेंड्स मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पर इसे हमें नहीं पकाना है, नहीं तो ये जल्दी जल जाएगा, जल्दी पक जाएगा, फिर वो बनेगा नहीं। तो इसके ऊपर डालेंगे एग का बैटर, अच्छी तरह से इसे चारों तरफ फैला देंगे, तभी हमारा एग रोल बनकर तैयार होगा। तो इसे पकने देते हैं। तो ये देखिए, हल्का हल्का ऊपर से बैटर सूखना स्टार्ट हो चुका है। अब इसे हम पलट देंगे, बिल्कुल धीरे से ही इसको पलटना है। तो जिससे भी ये इजी पलटा जाए उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से इसे टर्न कर देंगे, बस इसी तरह से हमें इसे रोल करते जाना है, और कुछ भी इसमें खास नहीं है। ये देखिए, इस तरह से रोल कर देंगे। और फ्लेम इसकी मीडियम रखेंगे अच्छी तरह से, एक साइड से जब ये पक जाएगा तभी हम इसे टर्न करेंगे। तो फिर पलट देते हैं। और इस रोल को हम इसे पीछे की साइड ले आएंगे ताकि हम दोबारा फिर इस पे एग का बैटर डाल सकें। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसे पीछे ले आऊंगी और सारा इस तरह से इसके साथ लगा देंगे, क्योंकि ये भी रोल के साथ अच्छी तरह से पक जाएगा। अब मैं फिर 1 चम्मच के करीब इसमें ऑयल स्प्रेड करूंगी और बैटर डाल देंगे, बिल्कुल साथ टच करके डालेंगे ताकि रोल अच्छी तरह से फिर बन जाए। और जो सब्जियां हैं उसे अच्छी तरह से फैला देंगे और पकने देते हैं 1 मिनट फिर इसको मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए, हल्का सा कलर इसका फिर चेंज हो गया है। अब इसे फिर टर्न करेंगे और इसी तरह से हमें इसे टर्न करते जाना है और बैटर को डालते जाना है। ये देखिए, अब इसे पीछे की तरफ फिर ले आएंगे और जितना बड़ा रोल आपने बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप एग ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ऑयल फिर लगाऊंगी इसके ऊपर,
और डाल देते हैं बैटर। तो कितना इजी है ये नाश्ता बनाना, झटपट से आप बनाकर इसे खा सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए पकने देते हैं फिर। तो ये देखिए हल्का सा कलर इसका फिर चेंज हो गया है। फिर टर्न करेंगे इसे एक बार और जो ये लिक्विड है इसे साइड पर कर देंगे ताकि ये और जल्दी पक जाएगा। इस तरह से फैला देंगे इसको। और इसे फिर टर्न कर देंगे। तो ये लीजिए हमारा एग रोल बिल्कुल तैयार हो चुका है। 1 मिनट के लिए और सेक लेते हैं इसे तवे पर। तो एग रोल हमारा बिल्कुल तैयार है। अब तवे से उतार लेते हैं और रख देते हैं इसे प्लेट पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसे हम काट लेंगे। जितने साइज हमें बड़े चाहिए उसी के अकॉर्डिंग इसे हम कट लगाएंगे। तो ये देखिए कितना इजी है, इस तरह से कट जाता है और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। तो झटपट से ये हमारा रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। इसमें समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। आप इसे किसी भी समय बनाकर खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये लेयर देखिए कितनी बढ़िया लेयर आई है इस पर। और झटपट से ये हमारा रोल तैयार है। और बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से हम इसे टमाटो केचप लगाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है इसका, क्योंकि हमने इसमें वेजिज भी डाली हैं और खाने में ये बहुत टेस्टी बना है। तो दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।